लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, जिसको क्वालिटी वाली चीज़ें चाहिए, जिसको नेचुरल चीज़ें चाहिए, जिसको फ्रेश चीज़ें चाहिए, वो पैसा नहीं देखता है उस चीज़ में। 10,000 अंडे का डेली बेसिस का प्रोडक्शन हो तो मुझे लगेगा कि हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत शानदार देसी पोल्ट्री फार्म का टूर कराऊंगा। यहाँ पे ताबड़तोड़ प्रोडक्शन आ रहा है देसी एग का। दोस्तों यहाँ पे सोनाली और ब्लैक एस्ट्रो ब्रीड है। यहाँ पे एक भैया है जो MBA के बाद उन्होंने बहुत जगह जॉब करी, अच्छा पैसा कमाया, उसमें स्कूल करा, किसी कारणवश कोरोना टाइम में वो स्कूल बंद हुआ, उसके बाद इन बिजनेस में आए और यहाँ पे उन्होंने धूम मचा दी। इनसे सारी बात करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, इस फार्म की पूरी डिटेल जानकारी लेंगे, इनके एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करेंगे। मिलवाता हूँ आपको अरविंद भाई से, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार भैया। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। आज आपके फार्म पे आए हैं हम जी। एक बहुत अच्छे एरिया में आपने फार्म बना रखा है देसी पोल्ट्री का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद श्रीवास्तव है। अरविंद जी, जी तो जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ पर हम अपना फार्म में जो है तो पोल्ट्री का काम कर रहे हैं। पोल्ट्री में अपना ये सोनाली ब्रीड है, देसी मुर्गियाँ, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ना फार्म दिखाओ, आइए। हमारे दर्शकों को बहुत पसंद है फार्म टूर। बिल्कुल बिल्कुल। भैया कब से कर रहे हो इसे? ये तो हमको 3 साल हो रहे हैं करते हुए। 3 साल? जी हाँ जी। और ये कौन सी ब्रीड? सोनाली ब्रीड है? सोनाली और ब्लैक एस्ट्रोलॉब दोनों ब्रीड है। अच्छा, अंडे वाली? अंडे वाली ब्रीड है जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब मेन आपका टारगेट देसी अंडा है? बिल्कुल ना, बिल्कुल। थोड़ा चलेंगे अंदर, दिखाएंगे दर्शकों को। और काफी प्यारा बर्ड है, सुंदर बर्ड है, देख सकते हो आप। और अंडे भी थोड़ी देर पहले ही उठाए हैं भैया ने यहाँ से। कितने अंडे आ रहे हैं भैया अभी? 450, 470, 480 अभी इतने प्रोडक्शन है। अच्छा, अभी उस पे अंडे पे आई है। कैसे विचार आया इस काम को करने का, और इससे पहले क्या करते थे आप? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं एक मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो कुछ कई सारी कंपनीज में काम किया, वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक पे भी काम किया जी। और उसके बाद 10 साल काम करने के बाद ऐसा लगा कि खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, कब तक दूसरों के लिए काम करते रहेंगे जी। उसके बाद 10 साल काम करने के बाद 10 साल हमने स्कूल चलाया। अब स्कूल चलाने के बाद ये काम स्टार्ट हमने किया जी। तो मतलब एक MBA पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, है ना? उसके बाद आपने इतना अच्छी जॉब करी, उसके बाद अपना कुछ करने की इच्छा आपको इस काम में लेके आई। स्कूल का काम तो बहुत अच्छा है, वो कैसे, वो उसका क्या हुआ? नहीं, स्कूल का काम तो बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा, चल भी बढ़िया रहा था हमारा। प्ले स्कूल और डे केयर एकेडमी, वो कई सारी चीजें थी, एक्टिविटीज थी उसमें। बट कोरोना आने पे वो बंद हो गया, कोरोना के टाइम पर। 10 साल हमने उसको चलाया, 8 साल चला, 9वें साल में आकर के कोरोना आ गया 2020 में। उसके बाद उसको हमको बंद करना पड़ा 2021-22 में आते आते जी। जी, उसके बाद हमने सोचा जब कुछ फ्रेश स्टार्ट करना है तो किसी ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया जाए जहाँ पे गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स का लाभ उठाया जा सके। गवर्नमेंट भी कई सारी चीजें आपको सपोर्ट कर रही है जिस लाइन में, और आपका इनकम भी कुछ स्टार्ट हो सके तुरंत। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस बिजनेस में जन्म यह है कि कोई टैक्स नहीं देना आपने। हाँ, टैक्स लायबिलिटी नहीं है जी। जी, टैक्स लायबिलिटी नहीं है। और दूसरी, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि प्रोडक्शन, अगर आप मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो आपका जो है जो रिप्रोडक्शन है, मतलब जो पैसे आपके पास आने लगते हैं वो जल्दी आने लगते हैं। जो आप कैपिटल कॉस्ट निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाते हैं आप जी। जी दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब हमारा जो हमने पैसा लगाया वो रिकवर हो जाए, वो ब्रेक इवन पॉइंट। बिल्कुल, जितना पैसा आपने लगाया है, मान लिया 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आपने लगाया है, 15 लाख रुपए लगाया है, 20 लाख रुपए है, तो वो कितने टाइम पीरियड में आप वापस ले रहे हैं जिस काम में आपने पैसा लगाया, उसे ब्रेक इवन कहते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ शेड भी आपने भैया बहुत पक्का शेड बनाया है जी। जी जी, मतलब डबल स्टोरी, देखो यहाँ भी है ऊपर एक स्टोरी, है ना, ऊपर बैठने के लिए मजा बना रखा, और यहाँ भी है जी। तो जी कितना पैसा लगा था और कहाँ दिखा है शेड आपने? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, दर्शकों को भी हमारे दिखा रहे हैं, ये एक नॉर्मल शेड नहीं है, ये डबल स्टोरी वाला शेड है। इसमें हमने कुछ और भी प्लानिंग करके रखी है, फ्यूचर प्लानिंग करके रखी हुई है कि ऊपर जो हम रखेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे जो रखेंगे वो उसको गोट्स रखेंगे ऊपर। अच्छा, और नीचे हम मुर्गियां रखेंगे उसके नीचे। इस पे गोट्स रखेंगे? जी हाँ, इसके ऊपर गोट्स रखेंगे। थोड़ा गोट्स का एरिया कम नहीं है ये? क्यों एरिया कम है? अच्छा, इसके ऊपर रखेंगे? करेक्ट करेक्ट। अच्छा, शेड ऊपर चला जाएगा। ओके ओके ओके, शेड के ऊपर। शेड ऊपर चला जाएगा, मतलब अब आपका शेड यहाँ तक आएगा और उसके ऊपर आप एक और बनाएंगे, मल्टी स्टोरी बनाएंगे। अच्छा, अच्छा, गोट्स जो भी वो मैग्नीज करेंगे वो एक साइड से किनारे अच्छा, निकल अच्छा, जाएंगे, तो नीचे कोई गंदगी आनी नहीं है। अभी आपकी टीनी टेम्परेरी है, ये ऊपर जाएगी, करेक्ट ना? जी जी जी, आपने फ्यूचर को देख के ये चीज करी। बिल्कुल बिल्कुल, डबल स्टोरी के हिसाब से बनाया है ताकि एक साइड में दोनों काम हो, दोनों प्रोडक्शन। प्लानिंग करी आपने, तरीके से काम किया। और आपका मेन मतलब फोकस जो है यहाँ मुर्गे मीट के लिए नहीं है, आपका मेन फोकस अंडे के लिए है। अंडे के लिए पर्पस अभी भैया जैसे शुरुआत हो रही है, आपका सीजन अभी शुरू हो रहा है जी, जी। और मार्च तक खूब चांदी रहेगी जिस हिसाब से आपके पास बर्ड है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपकी शुभकामनाओं की तो बहुत जरूरत है जी, जी। तो ये बताइए अभी क्या रेट जा रहा है, आप दिल्ली NCR में कितने का अंडा देते हैं?
देखिए अंडे का तो अभी हमारा 350 रुपये कैरेट के हिसाब से जा रहा है यहाँ पर, और जैसे जैसे ठंड पास आती जाएगी वैसे वैसे मार्केट थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा ना, डिमांड जैसे होती है। 350 रुपये कैरेट के हिसाब से जा रहा है, वो भी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। नवम्बर से और अच्छा प्रोडक्शन होगा, नंबर ऑफ अंडे ज्यादा आने चलेंगे और साइज और बढ़ जाएगा इसका, तो फिर रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा इसका। जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ताजे अंडे आपको फ्रेश अंडे मिल रहे हैं, क्योंकि कोई भी आप अगर आप देखें 100-150 किलोमीटर के रेडियस में कोई फार्म नहीं है यहाँ पर, और जो भी अंडे आपको शॉप्स में मिलेंगे स्पेशली देसी वाले अंडे या फिर व्हाइट वाले आएंगे वो सारे पंजाब या हरियाणा से ही मैक्सिमम अंडे आते हैं। भाई साहब चलो वो तो आप लोकल की बात कर रहे हो, अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, दिल्ली ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपके बथुए के ट्रक रोड बिकते हैं, जिसे बथुए को पशु नहीं खा रहे आज की डेट में, बथुआ बिकता है, ठीक है ना। तो ये तो फिर भी अंडा है, देसी अंडा, अच्छी चीज की डिमांड हमेशा रहती है, ठीक है ना, गर्मियों में भी रहती है इसकी। आज की डेट में मेरा मानना ये है कि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, जिसको क्वालिटी वाली चीज़ें चाहिए, जिसको नेचुरल चीज़ें चाहिए, जिसको ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, जिसको फ्रेश चीज़ें चाहिए, वो पैसा नहीं देखता है उस चीज़ में। जी। आज की डेट में आपको मालूम ही है कि मार्केट में कितनी मिलावट हो रही है हर सारी चीज़ों में। यहाँ पे तो मैं तो ये कहता हूँ आप आइए सामने देखिए प्रोडक्शन देखिए, 2 घंटे रुकिए अंडा आपको मिला और लेकर के जाइए, इससे ज़्यादा फ्रेश चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको। जैसे आपने बोला कि अडल्ट्रेशन होती है, करेक्ट मिलावट होती है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ दर्शकों, जैसे देसी अंडा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मैंने कई जगह देखा है देसी अपने सफेद अंडे के ऊपर चाय पत्ती का पानी मिला के उसे देसी अंडा बना के ऐसे भी बेचते हैं लोग, ठीक है ना, और आप पता नहीं कर पाओगे, जब खाओगे तो जल्दी दिख जाएगी आपको, नहीं ये तो गलत हुआ। आप शॉप पर जाते हैं तो आपको ये थोड़ा ना पता है, आप शॉप पर जाकर ये थोड़ा देखते हैं कि किस फार्म से आया है ये। जी जी जी। यहाँ पर तो हमने बता रखा है, आप आइए खुद से देखिए, फार्म देखिए, मुर्गियां देखिए, उसके बाद अंडे लेकर के जाइए। और अच्छा भैया यहाँ पे मुर्गा है ही नहीं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ मतलब मुर्गी का कोई रोल नहीं है आपके? मुर्गों का उधर सेटअप बना रखा है, अभी आगे डिवाइड देख रहे होंगे, उसको हम मिक्स कर देंगे। अंडे के लिए मुर्गे की जरूरत नहीं होती? अंडे के लिए मुर्गे की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ। मतलब अनफर्टाइल एग खाने के लिए होना चाहिए, जो आदमी जो परिवार है उसको खाने के लिए अगर अंडे चाहिए तो अनफर्टाइल ही वो प्रीफर करते हैं, तो उसके लिए हमने मुर्गों का सेटअप अलग कर रखा है। जी जी। जब अप्रैल मार्च में रिक्वायरमेंट होगी हमें हैचरी पर्पस के लिए, तो हम मुर्गे इसमें डाल देंगे। अच्छा भैया कहाँ देखा आपने ये सारा काम, इस तरीके का मॉडल कहाँ देखा, बिजनेस कहाँ देखा आपने, कहीं देख के करा होगा इसे? हाँ, मैंने एक्चुअली इस लाइन में उतरने से पहले काफी रिसर्च किए, काफी सर्वे किया है, कई जगह पंजाब गया हूँ, हरियाणा गया हूँ, उत्तर प्रदेश गया हूँ, कई जगह कई स्टेट्स में जाकर के मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, फार्म्स देखे हैं, लोगों के साथ मिला हूँ, बैठा हूँ, देखा हूँ, टाइम स्पेंड किया हूँ, कई कई दिन स्पेंड किया है, देखा है सारी चीज़ें, तब इस लाइन में आया हूँ। जी, मैं संतुष्टि करके सारा कुछ देख के। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कैसे आप MBA हैं, ठीक है, तो मार्केट का एनालाइज भी किया होगा आपने, लोकल मार्केट का और वैसे मार्केट का। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगा भाई हाँ मेरे को लग रहा है मौके पर चौका मार देना चाहिए, सही टाइम है, तो आपने तब किया? देखिए मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी काम आप स्टार्ट करते, बात सिर्फ मौके पर चौके मारने वाली नहीं है, बात यह है कि जब आप किसी काम को करते हैं और पूरा अपना टाइम उसके अंदर देते हैं, इनिशियल से लेकर के लास्ट टाइम तक, इनिशियल का मतलब ये है कि जब कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं किसी बिजनेस के लिए, तो आप पहले आप उस मार्केट को सर्च करिए, जाइए देखिए जो प्रोडक्ट आप में उतरना चाह रहे हैं आप, उस प्रोडक्ट का मार्केट क्या है, कितने रुपए में खरीद है, कितने रुपए में बिक्री है, बेसिक चीज़ें अगर हम बोलें तो उसमें आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, ये सारी चीज़ें ग्राउंड प्रिपरेशन करने के बाद अगर आप ये काम में उतरते हैं तो मेरे को लगता है कि फिर भगवान भी आपका साथ देता है उस काम को करने के लिए। तो मेरा कहना और सजेशन सभी के लिए यही है कि कोई भी काम जब आप करें तो उससे पहले उसकी बेसिक कैलकुलेशन पहले करके रखें। अच्छा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी तो मैं दिखा दूँ, यहाँ पे उन्होंने ऑटो ड्रिंकर लगा रखे हैं, फीडर मैनुअल लगा रखे हैं। नहीं, ऑटो फीडर। हाँ, लेकिन इन्हें भरना तो पड़ेगा ना, भरना तो पड़ेगा ना, हाथ से मैनुअल तो है ना। बिल्कुल। देखो, और यहाँ पे ये पूरा ऑटोमेटिक है, पाइप के थ्रू आएगा पानी और इसके अंदर भरता रहेगा। जी। नहीं, अच्छा इन्होंने सिस्टम कर रखा है, अच्छा कर रखा है। अच्छा भैया, अब नेक्स्ट ईयर में आपके पास आएंगे तो कहाँ तक होगा ये फार्म का? भाई ये तो आप डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ तक बढ़ना है, आप अच्छे हम जगह तो हमारा डिसाइड हमारे उसमें होता, हम तो कहेंगे कि ये पूरा आपका खेत पूरा घिर जाए, पूरा फार्म बन जाए आपका। हमारा प्रोडक्शन ये है, 4 यूनिट बननी है इसमें। अच्छा। एक यूनिट ये है, एक इसके बगल में, एक उधर, एक उधर, 4 यूनिट का ये सेटअप रेडी करना है हमें। तो कम से कम हमें जो अंडे चाहिए, 10,000 अंडे का डेली बेसिस का प्रोडक्शन हो तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। अभी तो कुछ नहीं है, 2,000 अंडे तो आएंगे अभी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, तो उसमें तो मेरे को लगेगा अभी मैंने 10% भी नहीं किया। अच्छा।
तो आपकी विशेष चाहिए, आप लोगों का, आप जितने भी हमारे भाई इस चैनल को देख रहे हैं उन लोगों का सपोर्ट चाहिए। जी जी, तो दोस्तों मेरे भाई अरविंद भैया ने इतनी जानकारी दी, हमें अपना टाइम दिया, और देखो पढ़े लिखे लोग आते हैं इस लाइन में और धूम मचाते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो भी कहा है। वाकई में ही इतना अच्छा फार्म इन्होंने बना रखा है, भाई तबीयत खुश हो गई, और उनके बर्ड की क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। मज़ा आया इस फार्म टूर में, इनसे बात करके मज़ा आया, इनसे कुछ सीखने को हमें भी मिला। अगर आपको भी मज़ा आया है, आपको नॉलेज मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चाहे सब्सक्राइब कर देना। किसी को भी दिल्ली NCR में देसी अंडे चाहिए हो, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, बेहिचक इन्हें फ़ोन करो, पर रात के टाइम फ़ोन मत करना। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।